शादी की डेट फाइनल भी तो होगी। हो गई क्या? अब सह कितने महीने बाद है? एक दो हाँ, तीन चार पांच। मूवी के बीच में ही आ गया। अगर टट्टी को दूसरा नाम देना हो तो 2.5 मिनट की स्टोरी को 2.5 घंटे खींच रखा। धागा क्या थे टट्टी मूवी देखी वाले में तो बिल्कुल भी लॉस्ट, कोई सीमा भी नहीं थी। तो सदियों बाद आज हमारी शुरुआत हो रही है। सुबह सुबह मूड मत खराब करो मेरा। सुबह सुबह 9 बजे, तो जैसे ही मैं 9 बजे उठा, अब मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, फल लेने जा रहा हूँ, दूध लेने जा रहा हूँ। आज मैं पूरे 15 रुपए बचाऊंगा ब्लिंकिट के। ब्लिंकिट सर्विस चार्जेस बचाता हुआ एक युवा। हाँ 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 बताओ। सुबह का तो सूरज भी एक नंबर लग रहा। पता नहीं अंगूर होंगे कैसे, पर ठीक है, ऐसे पैकेट में पैक हुए रखे तो ले लिए। यार ब्लिंकिट पे सब कुछ महंगा है। साल में एक दिन बाहर निकलूं और पूरा ज्ञान दे दूं मगा, अब से खुद लाया करूंगा ये वो, पर ऐसा होता कभी नहीं। तो आ जाए तो आज ले लो। 2 महीने में एक ही बार आ रहा मैं, और आज ही पूरा ज्ञान दे के जाऊंगा कि भैया सुबह योगा करो, फल खुद लाओ। अब ये देखो तुम, इतनी सारी चीजें मैं सिर्फ 250 रुपए के लाया हूं। इसमें 3 तरह के फल भी हैं, पूरे दिन की सब्जियां भी हैं, गाजर भी है, मतलब सैलेड भी है, सब कुछ। इतना सब कुछ मात्र 250 रुपए में ऑफलाइन। अब ये देख इतना सारा सामान कितने का आया होगा? 300-350 रुपए। 100 रुपए तो मिनिमम बार बार मंगाना पड़े। दूध हो चाहे कुछ हो, चाहे तुम्हारी मम्मी से बात करनी ब्लिंकिट के थ्रू, 100 रुपए से होगी। आज तो ऑफिस वालों की आंखों में आंख डाल के ला रहा था, मगर पैसे बचाता हुआ ला रहा भाई। सॉरी गाइस, सुबह तो मैं जल्दी उठ गया था, बट उसके बाद सो भी उतनी जल्दी गया था। तो अब मैं उठाऊं, और आज मैं सोचा है कि ये रिचुअल तोड़ दूं नहाने वाला, आज नहा ही लूं फाइनली। अच्छा रे ने पूरा बना दिया, नाइस। रे को फॉर्मूला पता चल गया। आखिर तुमने बना ही दिया, आखिर तुम सबने मिलके मुझे कॉमेडियन बना ही दिया। तुम तो भाई मुझे फेमस करके ही मानोगे। तू तो भाई कपड़े के चादर के बिना बैठ ही नहीं रहा, ऐसा हो रहा क्या? बनसा हो रहा हो चुकर। ये चीजें यहाँ अलाउ नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये तो वर्क स्पेस है यार, बस वही है ना। ये मेन रीजन नए स्पेस का यही तो नहीं है, ये नेस्ती फैला रहा है। नया स्पेस खरीद जो ले रहे हैं, मतलब खरीदना क्या, रेंट खरीदना कहते हैं, बस सरस्वती बैठी थी इस टाइम खरीदा गया। तो वो किस वजह से? वो इस वजह से क्योंकि ये वर्क स्पेस और अपना जो सोने का स्पेस है एक ही बना रखा है इन्होंने। जवाब दो, उस पर बोर्ड लगवा दो, आप कुत्ते चुकाना मर्जी। फनी भाई फनी, हंस दो यार, हंस दो भाई। फनी बोला है भाई, फनी फनी है भाई। भाई तो बहुत ऑफेंसिव कॉमेडी करते हैं भाई। रोस्ट तुम्हें तो रोस्टर होना चाहिए भाई। सब मुझे ऐसे कह रहे कि बड़े भाई तुम्हारे हेयर स्टाइल पे तो हम फिदा हो गए यार। हमारे घर में जितने भी लेडी स्टाफ है वो आपकी फैन बन चुकी है भाई। मैं यूं कह रहा, जैसे लोग जो अकेले बना हुए उन्हें तो सलाम है, अकेले तो भैया पॉसिबल नहीं है। मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे से तो होने का ही नहीं। मेरे तो चाहिए 3-4 अपने अराउंड, जिंदगी में बेइज्जती करता रहूं और लोग आगे बढ़ता रहे। भाई तुम शादी कर लो। शादी की डेट फाइनल भी तो होगी। हो गई क्या? अब से कितने महीने बाद है? एक दो तीन चार पांच महीने बाद। अब से गर्मियों में ही होगा बेचारे का इसका तो ब्याह। ठीक है, मुझे अच्छा भी लगेगा कि वो चलो और लंबा हमारे साथ टिक पाएगा। फिर ऐसा करो कि तब से खिसका के वापस अगले दिसंबर या नवंबर कर दो, क्योंकि ठंड में जो कपड़े पहनने का मजा है, देखो भाई सब लोग एग्री करेंगे, ठंड में जो कपड़े पहनने का मजा है ब्याह में वो कहीं नहीं है, माने या ना माने। गर्मियों में तो नहीं फिरो जहाँ बस चिपचिप हुए, वो पैंट पीछे वो चूतड़ों में बड़ी रहे वहाँ भीग के पसीने पसीने फिर हो जा। तो मैं कहता हूँ अंकल जी से मेरी दरख्वास्त है कि शादी पोस्टपोन करके, हाँ लड़की वालों से दरख्वास्त है कि शादी पोस्टपोन करके अक्टूबर नवंबर में। इससे क्या होगा, मेकअप भी लंबा टिकेगा, ठीक है, ठंड में मेकअप भी लंबा टिकेगा, और तब तक दहेज भी लंबा इकट्ठा होगा बड़ा, दो सामान ज्यादा दिए जाएंगे। वही यार अंकल जी, दहेज थोड़ी है, तो आपकी बेटी यूज करेगी गाड़ी में, अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूँ, आपकी बेटी तो बैठेगी। क्यों भाई निहाल, देख मैं दहेज के खिलाफ हूँ लेकिन अपनी मर्जी से गिफ्ट के तौर पे, गिफ्ट के तौर पर कोई 1 करोड़ रुपए देना चाहे तो मना थोड़ी करेंगे भाई। लड़की के पिताजी या लड़की वाले भी तो बुरा मान जाएंगे कि हम तो 1 करोड़ रुपए देने, हमने तो इकट्ठे करे, ये लेने को तैयार नहीं है। बेकार हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, उन्हें फेंकने पड़ेंगे पैसे। उनका भी तो मन करे कि नई जो जो है फॉर्चुनर जो आ रही हो वो देनी है, या नए जो एसी आ रहे हो 5 स्टार वे लगवाने हो, वे तो एक गिफ्ट चाहे, वे परिवार मानना शुरू करते हैं। अंगूठी दिखा दे एक बार, दिखा जी वो बताओ। मतलब मुझे भी कोई दिक्कत नहीं आने की, अगर मुझे एज अ दूल्हे का दोस्त कुछ गिफ्ट करना चाहे वो करना भी चाहिए। 1 सोने की चेन, ज्यादा क्या मांगा, 1 सोने की चेन, इतना तो मैं डिजर्व करूँ। पुरानी देता अपनी कोई चली हुई सेकंड हैंड देता अपनी कोई, मैं तो कागज भी नाम नहीं कराने का, मैं चलाता रहा हूँ टेंशन फ्री। ये ऐसे ही शादी में कोई अपने किसी अमीर सी घर वाले, तो कोई रिश्तेदार अपनी लड़की का रिश्ता ऑफर करना चाहे, मैं उसे भी नहीं ठुकराने का। और मेरे जैसे कामयाब लड़के को तो चाहिए, मैं सामने से ऑफर का ही वेट कर रहा हूँ। देखो जी निहाल जी की तो शादी होगी, पर लक्ष्य जी आप भी कोई कम नहीं है, आप भी 1.5 करोड़ के लड़के हो। मैं तो कास्ट में बिलीव ही नहीं करता भाई, ये तो करें नहीं, मैं तो करता ही नहीं। अगर किसी के कोठी है, 2-4 गाड़ी चला रहे यार करोड़पति आदमी, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। मैं भी खत्म करना चाह रहा एक दहेज प्रथा, एक कास्टिज्म, खुले दरबार है, मेरे मुंह पे 2 करोड़ रुपए मार दो, किसी जाति में मेरा ब्याह कर दो, मेरे तो पिताजी भी बीच में नहीं आने।
मेरा मुंह बंद कर दो अगर मैं बोलना भी चाहूंगा ना कुछ। मेरे पिताजी कुछ बोलना चाहूंगे 1 करोड़ और दियो, सब चुप हो जाएंगे, पूरा खानदान लड़की भगाने में भी साथ देगा। नुको बेटे अगर हमारा समाज अलाउ नहीं कर रहा तो ऐसे करो तुम लेके भाग जाओ। दे देंगे, देख मैं मान रहा मेरे घर वाले पापा 1 करोड़ में तो फिर नु कहते बेटे समाज में भी क्या धरा, इस समाज ने हमें क्या दिया जो तुझे क्या देगा। फिर वो एग्जाम्पल आ जाएगा, देख एक वो लड़का है बंटी, वो लेके भागा था उसे बबली को, और उसके पिताजी वे अलग कास्ट के थे, उसके पिताजी ने, क्योंकि बबली पहले से ही गवर्नमेंट बैंक में थी तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मैं भी ठीक है, मेरी शादी होने दे, उसके बाद तेरे लिए मैं लगता हूं, नहीं मैं तेरे शादी वाले दिन ही लग जाऊंगा इस काम पे, वहीं घूमता रहूंगा मैं, कोई लड़की राजपूत जिसके पिताजी बहुत अमीर हूँ, रिसेप्शन होगा उसमें भी देख लीजिए, जिसके पिताजी बहुत गुस्से में मेरे मुंह पे पैसे मारते हैं। गाइस स्क्रीन पे बैंक अकाउंट डिटेल्स फ्लैश हो रही हूँ। निहाल यू कह रहा मेरी शादी में मीटअप रखा भाई, ऐसा करना उनका जो है दिवाला निकलवा दे उनका, वहाँ वहाँ 5-7 हजार लोग बुला गए, वही वाली चीज है, वो वायरल नहीं हो रही वीडियो। नुको साले एक प्लेट पता कितने की शादी में, मैं तो बल्कि मैं तो यूँ चाह रहा कि हम एक ही प्लेट में सारे खाए, हमें भाई कुछ दे के नहीं आ रहे तो बचा के तो हमें किसी का, और बचा हुआ पैसा कहाँ जा रहा, हमारे भाई की दहेज में जा रहा। तेरे 10 दोस्त गए 2000 रुपए पर प्लेट है, पच्चीस तीस दोस्त गए 2000 रुपए की प्लेट है, कितने 50,000 रुपए की प्लेट, अगर हम 2000 में निपटा दें तो 48,000 रुपए कहाँ गए बड़े भाई। बच्चे का जीडी को एडमिशन हो गया नर्सरी, हलवाई वाला फिर तो डोल चलेगा, फिर तो भर के चलेंगे अपना, फिर तो रसगुल्ले भर भर के लेंगे, रसगुल्ले भरवा दिए दोनों तरह के, मलाई भरवा दिए, गाजर का हलवा, फिर तो मैं भिगोने में गलवा लूंगा अपने घर के लिए भी। अगर वो थाली वाला सिस्टम ना रहा तो मीटअप भी कर ही लेते हैं, दूध उगा हो जाए थाली टप में धोने वाले बैठे रहे, ऐसे निकाल ले आधी बार 400 लगाई आवे दोबारा। मेरा बाबा तो ऐसा था, नु कहता जाके मैं पूछ लिया करता भाई यहाँ प्लेट सिस्टम है, प्लेट सिस्टम है क्या है, जैसे कोई कहता था ना हाँ बाबूजी प्लेट सिस्टम है, भाई वे प्लेट नहीं ठहक रहे थे भाई, प्लेट ठाने का फायदा क्या हुआ, जब हम कन्यादान में 500 दे गए 2000 की प्लेट खाया है उसकी, वे छोटी प्लेट रहना वे काउंट नहीं होती नाश्ते वाली, हम तो उसमें ही पेली आया, मैं भी नहीं खाता यार, मैं बहुत ही रेयर ही उठा, जैसे मुझे कोई दोस्त दिख गया ना खाता हुआ उसके में ही खा लू मैं जाके। लगता है हमारे किसी दुश्मन का केटरिंग का बिजनेस है ब्रो, तो सारे लुटवाओगे तुम तो, इस टाइम मूलचंद वाले को बहुत भुंडे दिख रहे होंगे, हम उनको सारा बिजनेस डूबवाओगे तो इसमें वही राजमा, हाँ आज तो सुबह से शाम तक ही राजमा चलेगा, राजमा जिस दिन बन गया तो 2 दिन का काम पूरा हो गया। बड़े भाई ब्रेकफास्ट हो लंच हो डिनर हो सुबह से राजमा ही चल रहा भाई, मैं तो खाली भी खा जाऊं अगर कुछ भी नहीं होगा चम्मच डाल डाल। आओ चलो भाई बड़े भाई चलो, हम तो पेट भर के बैठे राजमा एंड चावल, पेट भर के बैठा तो जा भाई खाली कर ले। मेरे पे तो बड़े भाई बात ही खत्म हो गई, बात ही नहीं बची मेरे पास तो, मैं तो अब किसी चैनल के साथ कोलैब करना ही बंद कर रहा। अच्छा मैं यूं कह रहा अगर हर्ष कुछ उल्टी हरकत ना करे तो कुछ बचा भी ना कह रहे, मोटिवेट करके रख बस तू उसे ऐसे ही, उसे फील नहीं होना चाहिए चैनल डूब जाएगा, जहाँ उसने फील कर लिया इज द ऑब्जेक्ट। सलाद भी कटा हुआ है लागे के, बताओ यार तुम तो सैलरी डबल ही करवाओगे अपने। मुझे मजबूर मत करो, ये इंसेंटिव मिलेगा। मुझे मजबूर मत करो, मैं तुम्हें 20,000 रुपए महीना दे दूंगा। हमारे फ्लैट पे सलाद कटवाने का एक ही रूल है, जिस दिन कटवा ले हम खाते नहीं। ये तो ये फ्रिज में चली जाओ, पिछले बार भी काटे थे कोई नहीं खाए, खा लो नहीं तो फिर ये फेंके ही जाएंगे। ये कल समोसे लाया तो उससे पहले ही हम खाए बैठे थे भाई, फ्लैट पे जब भी कुछ अच्छा हो ना, अभी तो चिकन बनवा 10 जगह से कॉल आ जाएगी डिनर की, भाई हमारे यहाँ खाओ हमारे यहाँ खाओ, हाँ अभी बनवा ले तू बैंगन का भरता, और देख ले जो कुछ आ जा, अकाल पड़ जा, खाना ही पड़ेगा, रोटी फालतू बन जाएगी ज्यादा खानी पड़ेगी। एक दिन फ्लैट पर कड़िया ही राजमा, मुझे दीदी का फोन आ गया साग खा गया, एकदम ही चॉइस बहुत सारी हो जा। चलो भाई बड़े भाई खाओ। एवरेज आईटी एम्प्लॉई स्लेवरी करके वापस घर आते हुए, जिन जिन लोगों ने ये बात मान ली वो मेरे सच्चे रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि जो लोग जानते होंगे उन्हें पता होगा कि मैं आईटी में नहीं हूँ। 8:30 बजे फ्री हो गया था मैं और 10:30 बजे घर में घुस रहा, क्या जवाब दूंगा अब मैं, लेकिन मैं तो अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ, मम्मी पापा को जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। वाओ यार ये मम्मी पापा से ज्यादा सवाल पूछे हैं वे तो फिर भी एक बार को छोड़ दें। तुम इतने चिलत्तर रूप में मूवी देखने जा रहा है यार, ये क्या रूप हो यार, देख अंदर यो कुर्ता यो, ये महीना सही नहीं जा रहा यार, पापा वाला रूप है यो, इस महीने पैसा कमा नहीं रहे पर उड़ा पूरा रहे मूवी पे। बब्बा ने कहा था जब ज्यादा पिक्चर देखने लगे ना तो घर का नाश हो जाए, वो कर रहे वो होने लग रहा, इस हफ्ते 3री पिक्चर है और घर का नाश है, ये तो लेजिटिमेट बात है और हम जस्टिफाई भी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसलमेर में नहीं घूम रहे थे वे, तू ऐसे ही नहीं, ऐसा जो बाइक पे नहीं बैठ पड़ा था पीछे हमारे, होटल ले लो जल्दी चलो लेट हो रहे। 10:50 की मूवी का हमने 10:51 को बुकिंग करी, मूवी 10:50 पे शुरू हो चुकी। अरे वो बियर रख के भूल गया था यार मैं फ्रिज में, आ जा बिजली कहते पैदा कर रहे जी यहाँ, इसमें से तेरे 45 पीस नहीं बस सारी चीजें यहाँ तो वही लग रही जो जिंदगी से मुक्ति दिलावेंगी।
रहने दो भाई, मुझे जगह ठीक नहीं लग रही, यहाँ मुझे लग रहा है यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट मिले। एक आदमी चेन सोले का आता दिख रहा, पूरा मॉल बंद हो गया ना। हाँ, ये तो बंद हो गया, मूवी चालू है, थिएटर जो है भाई, ये इंडियाज बिगेस्ट मॉल कहा जाता था जो अब बंद हो गया। और तुझे पता है जब तक डीएलएफ नहीं बना था, ये इंडियाज बिगेस्ट बंद मॉल, इसके जस्ट अपोजिट साइड उधर डीएलएफ है। न्यूज वाले भी आते थे, कोई चीज नहीं लॉन्च हुआ करे थी ना, तो न्यूज वाले यहाँ आ गए थे इंटरव्यू। तो तुम्हें कैसा लग रहा है, तो तुम्हें कैसा लगेगा कि तुम हमेशा रिलेवेंट रहोगे? और एक टाइम पे सारे फोन और गाड़ी के रिव्यू इसी मॉल में यही हो गए। न्यूज वाले में अभी बता रहे थे कि न्यूज वाले सारे यहीं आते थे जब भी नया फोन या कुछ लॉन्च हुआ। ओ भाई चलो बीच में ही बंद होगी रे, कोई नहीं समझ सके, फंड नहीं होगा, रिचार्ज खत्म हो गया होगा इनके बिजली का। मूवी के बीच में ही आ गया, अगर टट्टी को दूसरा नाम देना हो तो बेडिया दे देना। ढाई मिनट की स्टोरी को ढाई घंटे खींच रखा यार। एक बात बताऊं, मूवी की स्टार्टिंग बहुत सही हुई थी, नहीं इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत बढ़िया प्लॉट लिख रखा किसी ने, पर बिना मतलब खींच रखा। लेकिन इसमें बिना मतलब लव स्टोरी घुसा के ना, मुझे मैं बता रहा वरुण धवन के बेडिया ना काटा, वो बेडिया बना, उसे इलाज ढूंढना था बस, ये स्टोरी है। मैं तो पॉइंट्स नोट करके आया, 10 मिनट और देख लेता ना। इसमें मिला है जंगल में बहुत सारा ज्ञान, फालतू की लव स्टोरी और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए ज्ञान, नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर थोड़ा सा प्यार बरसाया गया, फिर दोस्ती पे बहुत सारा ज्ञान है और जबरदस्ती के गाने। कीर्ति सैनन का तो इसमें कोई रोल ही नहीं था, मतलब जरूरत ही नहीं थी उसकी, तो अच्छी खासी नॉर्मल बात चली गई बीच में। तुम मेरे साथ घूमने चलोगी क्या? मतलब कुछ भी, पहले उसकी बीमारी की बात चली, अचानक से मेरे साथ घूमने चलोगी क्या? ढाई मिनट की स्टोरी है, और देख लेते हम अपने YouTube चैनल पे सेम स्टोरी, मैं 10 मिनट की वीडियो बना सके, मैं बन जाऊंगा भेड़िया। यार ये जो मतलब बॉलीवुड की आदत होगी ना हर चीज में लव स्टोरी घुसाने की, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ मूवी कभी नहीं आता। अरे भाई एक बताऊं, इस वाली में ही है, जितने मामा है ना, जितने मामा है लव स्टोरी नहीं थी, धागा के हाथ से ही टट्टी मूवी देखी। कोई सीमा भी नहीं थी इसमें, तो गानों की कोई जरूरत नहीं थी, लव स्टोरी की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। अरे घंटे की मूवी होनी चाहिए बस। हां एक आधा, मैं कह रहा वरुण धवन की एक्टिंग ठीक थी बस। हां वरुण धवन की एक्टिंग पर वो काफी बढ़िया, मुझे लग रहा किसी ने सोचा कि एक VFX करेंगे ह्यूमन से भेड़िया में ट्रांसफॉर्म होने, उसके अराउंड मूवी बना दी। VFX अच्छी थी पर उसके अराउंड मूवी बना दी, वो एक सीन अच्छा था भेड़िया बनने वाला। भाई आते किंग मूवी तो जो हम देख कर आए थे मुझे फंड नगर में, नाइस में लव स्टोरी थी ना, कुछ लव स्टोरी थी बस, कुछ भी नहीं, शादीशुदा आदमी क्या लव स्टोरी। जब भी तू मना कर रहा था कि मैं कह रहा था DSM2 चले, जीव नहीं बता देख ली मैंने, देख आया था बहुत ध्यान से सुन रहा। किंग पूरा रीजन है, लौटे क्या कटड़ वालों में तो नींद नहीं आ रही है, उसमें लगा ले कट, बोला है आज हम प्यार में फंसा गए एक लड़की, कैसी बातें करने लगा भाई, इसका मानसिक संतुलन।